तो आपने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में एक जुमला तो जरूर सुना होगा कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। लेकिन अगर आपको इस लाइन का कहें या फिर इस जुमले का उदाहरण देखना है, अगर आपको इस बात का प्रमाण देखना है कि आखिर इसका मतलब होता क्या है, तो आपको कल का मैच देखना चाहिए था। जी हाँ, आपको कल का मुंबई और CSK का मैच देखना चाहिए था, क्योंकि जब बात आती है दुनिया झुकाने की, या फिर कहूं जब बात आती है दुनिया के झुकने की, तो ये जो वक्त दुनिया है ना, ये सिर्फ एक इंसान के सामने झुकती है जिसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। और जैसा मैंने कहा कि अगर आपने कल का मुंबई वर्सेस CSK मैच देखा होगा, तो इस बात के आपको कई उदाहरण मिले होंगे। अब यहां पे आप सोच रहे होंगे कि यार कल तो MS धोनी ने बैटिंग भी नहीं करी, कल तो MS धोनी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस बारे में बात की जाए। तो किया है भाई, बिल्कुल किया है। इसीलिए मैंने कहा ना कि उस इंसान को देखो, कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो अगर खड़ा है तो दुनिया को नतमस्तक होना ही पड़ता है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि कल के ही मैच के मैं आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट बताने वाला हूं जो एग्जैक्टली कैमरा पे तो कैप्चर नहीं हुए, लेकिन फिर भी उस मैदान पे जो बहुत सारे कैमरा मौजूद थे, जो भले ही कैमरा आपको टीवी पे नहीं दिख रहे थे, लेकिन उन कैमरों ने भी कुछ ऐसा कैप्चर किया जो आपको भी देखना ही देखना चाहिए। अब देखिए, जैसा मैंने कहा कि भले ही कल के मैच में MS धोनी बैटिंग के लिए नहीं आए थे, क्योंकि हमें पता है कि अगर MS धोनी बैटिंग के लिए आते तो किस तरीके का माहौल बनता। हमने बीते हुए दो मैचों में देखा है कि जैसे ही धोनी उन सीढ़ियों से नीचे चलना शुरू ही करते हैं, पूरी जो गूंज भर जाती है मैदान पे, वो गूंज बस एक ही आवाज कह रही होती है, धोनी धोनी। लेकिन कल के दिन ऐसा नहीं हुआ, पर फिर भी कुछ ऐसा हुआ जो आपको देखना ही देखना चाहिए। मैच शुरू होने से पहले जब MS धोनी यूं ही पहली बार वानखड़े में एक लंबे समय बाद प्रैक्टिस करने के लिए आए थे, तो देखा जाता है कि जैसे जैसे धोनी सीढ़ियों से नीचे उतर के मैदान की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहां पे आसपास जितने भी दर्शक बैठे होते हैं, वो घूम के अपने आइडल की तस्वीर निकालने लगते हैं। मैं जानता हूं कि इस तस्वीर में शायद आपको कुछ खास ना लगे, लेकिन खास आपको इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो यार हर मैदान में होता है। पर चलिए आपको एक और बात बताता हूं, आपको मैं कल के ही मैच से एक ऐसी फुटेज दिखाने वाला हूं जिसके बाद से आप फिर से यही कहने लगेंगे कि यार जो ये IPL चल रही है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। क्योंकि कल के मैच में जब CSK एकदम जीत की कगार पे पहुंच चुकी थी, तो तभी जो कैमरा होता है वो थोड़ी देर के लिए MS धोनी पे जाता है, और लोगों को देखने को मिलता है कि जो MS धोनी है वो पैड अप हो रहे हैं, वो तैयार हो रहे हैं बैटिंग करने आने के लिए। और तभी पूरे मैदान में बस एक ही शोर मच रहा होता है, वी वॉन्ट धोनी, वी वॉन्ट धोनी, वी वॉन्ट धोनी। दो पल के लिए किसी को ये लग ही नहीं रहा होता है कि ये जो मैच हो रहा है ये मुंबई के वानखेड़े में हो रहा है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो धोनी है वो सिर्फ चेन्नई का हीरो नहीं है, वो पूरे देश का हीरो है। अब इसी से रिलेटेड एक और बात सामने आती है कि जैसा मैंने कहा कि होने को तो जो ये मैच हो रहा था वो वानखेड़े में हो रहा था, लेकिन फिर भी कल के दिन IPL इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि जिस टीम का वो होम ग्राउंड नहीं है, उसके बावजूद भी उसके सपोर्टर उस मैच में होम ग्राउंड की टीम से ज्यादा थे। जी हां, कल के मैच में जो चेन्नई के सपोर्टर्स थे वो मुंबई के सपोर्टर्स से कई ज्यादा थे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो मैंने आपको कुछ दिखाया ही नहीं है। कल के मैच में एक ऐसी चीज भी घटी जिसे आप देखेंगे तो जैसा मैंने कहा, आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि धोनी एक ही था, एक ही है और हमेशा एक ही रहेगा। इससे भी आगे जाएं तो अब मैं आपको बताता हूं कल के दिन का लास्ट MS धोनी मोमेंट, या फिर कल के मैच का लास्ट सबसे जबरदस्त मोमेंट। जब मैच खत्म होने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन भी खत्म हो गई थी, और उसके बाद जब MS धोनी अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, तो वहीं पे जो ग्राउंड वर्कर्स थे वो धोनी से जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या प्लीज हम आपके साथ एक फोटो खिंचा सकते हैं। और जो धोनी होते हैं वो बिना एक बार भी कंप्लेन किए, बिना एक बार भी मना किए, सीधे कहते हैं बिल्कुल फोन लाओ, फोटो खींची जाए। और MS धोनी के साथ फोटो खिंचाने की खुशी को आप इनके चेहरे पे साफ साफ देख सकते हैं। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, जैसा कि मैंने आप लोग से सवाल किया कि अगर आपके पास मौका होता IPL की ऑल टाइम प्लेइंग 11 बनाने का, तो आपकी टीम के कप्तान रोहित शर्मा होते या MS धोनी होते, जो भी वीडियो देख रहा है जैसा मैंने कहा कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के चैनल सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।